डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में पहुंची है और भारत सरकार के कई पदाधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, सभी लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। एक मीटिंग राज्य सरकार और नीति आयोग के सदस्यों के साथ की गई। लगभग 2.5-3 घंटे तक कई राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं की गई और हमारी तरफ से हम लोगों ने राज्य के जो प्रमुख विषय हैं, विषय तो अनेकों हैं लेकिन जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को हम लोगों ने रखा। 20-22 विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि DBC के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं, इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमारा काट लिया है और अभी 2200 करोड़ रुपए और भी काटे जाने की बात है। इस विषय पर भी अपनी बातें रखी गई है। लगभग 1100 करोड़ रुपए अभी हाल में बहुत जल्द दिसंबर के ये में काटने की सूचनाएं प्राप्त है। इस विषय पर आगे का समाधान DBC को लेकर जब तक ना निकले, इस विषय पर तब तक इस पैसे का काटना केंद्र सरकार बंद करे, ये आग्रह हम लोगों ने किया है। और उसी तरीके से भारत सरकार उपक्रम जो CCL होल इंडिया कंपनी है, इन कंपनियों का राज्य सरकार को रॉयल्टी जो एडवोरलम आधारित होता है वो नहीं देना, वासरी में हमें रॉयल्टी नहीं मिलना, सरकारी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलना, इत्यादि कई हजारों करोड़ रुपए का जो बकाया कोल इंडिया के माध्यम से हमें प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ये बातें रखी गई है। और 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुपोषण को लेकर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक का जो पैसे आवंटन का भी आग्रह हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो हम लोगों के राज्य में सेडो एरिया है, पलामू गढ़वा क्षेत्र, वहाँ जो अभी पाइपलाइन द्वारा संचालित सिंचाई संचालित नहीं पाइपलाइन द्वारा जो सिंचाई परियोजना है उसको AIBP में इंक्लूड करने का भी आग्रह हम लोगों ने किया है, ताकि ये योजना चालू जल्द से जल्द हो और जो हमारा वो सूखा क्षेत्र है, सेडो एरिया है, वहाँ के किसानों को सिंचाई की समस्या समाप्त की जा सके। इसके अलावा धनबाद रामगढ़ के लिए INDIC की 600 करोड़ रुपए की जो परियोजना को
स्वीकृत करने का भी अनुरोध हम लोगों ने किया है, जिससे हम लोगों के राज्य में जो दामोदर नदी है वो साफ स्वच्छ हो सके। और इसके अलावा PMAY में करीब 3 लाख छूटे हुए लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास है, जो केंद्र सरकार ने जो पोर्टल बंद किया है उसको खोलने का आग्रह किया गया है, ताकि उन गरीबों को आवास हम लोग उपलब्ध करा पाए। और कोरोना संक्रमण में वैक्सीन को लेकर भी बातें रखी गई है। जो 25% वैकेंसी जो निजी अस्पतालों के द्वारा पेमेंट बेस पर लगाने की जो भारत सरकार का निर्णय है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पताल बहुत कम हैं, बड़े शहरों जैसे संभ्रांत नहीं हैं, उन्हें भी रिलैक्स करने का हम लोगों ने मांग किया है। और राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता एडवांस में की जाए, ताकि हम लोग की जो कैपेसिटी है, लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने की राज्य सरकार की क्षमता है, जो मौजूदा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग ही हम 1.25 लाख 1.5 लाख ही लगभग हम कर पा रहे हैं, इसको हम लोग बढ़ा पाएं। इसके अलावा जो राज्य में खनन किए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे कराने का भी आग्रह किया गया है। 100 साल से चल रहे खनन कार्य से स्थानीय लोगों को के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर रिपोर्ट बननी चाहिए, ताकि इसका आकलन हो सके कि वास्तव में खनन कार्य से स्थानीय लोगों को कितना लाभ हो रहा है। इसके अलावा हमने और भी महत्वपूर्ण बिंदुएं रखी है। आपको पता है कि इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, और राज्य में नए उद्योग के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी पुनर्जीवित करने का कार्य योजना तेजी से चल रहा है। इसके साथ हम लोगों ने दिल्ली में भी इंडस्ट्री पॉलिसी का लॉन्च किया, जब उस दिन लगभग 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। और इसी दिशा में, चूँकि झारखंड प्रदेश ST/SC बहुल राज्य है, तो हम लोगों ने कहा कि ST/SC एंटरप्रेन्योर को CGST और अन्य तरह के टैक्स से में राहत दी जाए, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों की भांति यहाँ के स्थानीय लोग भी व्यापार के क्षेत्र में आगे आ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उद्योग के क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आने वाले पीढ़ी को प्रेरित कर सके। धन्यवाद। उनके तरफ से भी कई विषयों पर नीति आयोग में बात रखने की बात कही गई है, मंत्रालयों के साथ बात करने की बात कही गई है। कुछ विषयों में नीति आयोग एक मीटिंग आयोजित करेगी, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व रहेगा, और जो उलझी हुई चीज़ें हैं उनको सुलझाया जाए। सर, नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर भी चर्चा,
हाँ, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। उस विषय पर भी हम लोगों ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस तरीके से अभी लोगों ने जो 13 जिले थे, 13 जिले से काट कर 8 जिले कर दिए हैं, उसको हम लोगों ने बढ़ाने का आग्रह किया है। और जो लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो भारत सरकार के तरफ से जो राशि प्राप्त हो रही थी, उसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है। और बड़े पैमाने पर उन सब क्षेत्रों से नक्सली गतिविधि में कमी आई है। तो हमने कहा है कि इस योजना को जारी रखा जाए और हमारे जिले को ना घटाया जाए और कम से कम 2 साल और इस योजना को चलाया जाए। GST को लेकर के भी बात रखी गई है, लेकिन अभी कानपुर में GST काउंसिल की एक मीटिंग होने जा रही है। इन्होंने आश्वस्त किया है कि उस मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय आएगा, क्योंकि GST में अभी भी हम लोग को लगभग 1800-1900 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार में है, जहां से हमें प्राप्त होना है। अब कुछ दिनों में GST काउंसिल की बैठक होनी है, हम उसका इंतज़ार करेंगे, देखते हैं उसमें हमें क्या राहत मिलती है। तो ये बैठक को आप कैसा मानते हैं, मतलब अच्छा रहा? पहली बार बैठक हुई है और मुझे उम्मीद है, और पॉल साहब ने यह आश्वस्त किया है कि बिल्कुल संघीय ढांचा का जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना है, और उसी उद्देश्य के साथ ये आए हैं। और हमने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि बिल्कुल संघीय ढांचा के हम पैरविकार हैं, सहयोगी ढांचा के हम पक्ष के लोग हैं, और ये परंपराएं बनी रहनी चाहिए। और चूँकि ये पहली मीटिंग है, अगर इसमें अच्छा परिणाम आएगा तो मुझे लगता है कि पहला अच्छा तो आखिरी भी अच्छा होगा।